नागौर की पूर्व सांसद और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली नागौर की ज्योति और बाबा की पोती, आपका भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में आपका कद भी बढ़ गया है और जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है, किस तरह से जिम्मेदारी को निभाएंगी और क्या मानती है कि नागौर जिले में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कैसा रहेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की बहुत ही भारी माहौल है बीजेपी के पक्ष में, और जहां तक मेरी ज्वाइनिंग का मुद्दा है, मेरे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और उन सभी को बहुत खुशी है कि मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी है। उसका माहौल जो है वो आज आपको कल डिगवाना में और आज दाटू में देखने को मिल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार आएगी और समथिंग मेजोरिटी के साथ में आएगी। ऐसा माना जा रहा है कि मिर्जा परिवार के आपके आने के बाद में कुछ और लोगों के भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की संभावना बताई जा रही है? देखिए, संभावनाएं तो हमेशा ही होती हैं, और अगर पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को मेरी तरफ। आपके प्रयास क्या रहेंगे? मेरी कोशिश ये रहेगी कि पार्टी मजबूत हो, परिवार के जो अच्छे सदस्य हैं जो राजनीति के अंदर एक्टिव है वो आए और आकर के बीजेपी के हाथ मजबूत करें, मेरी कोशिश। आप, ऐसा माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल की वजह से आपने पार्टी छोड़ दी, इसमें कितनी सच्चाई है? हनुमान बेनीवाल दलाली की राजनीति करते हैं, उनके पीछे पार्टी छोड़ने का मतलब नहीं था, लेकिन हाँ, इसमें जरूर है कि कांग्रेस की घालमेल थी आरएलपी के साथ में, जिसके चलते हमारी और हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत अनदेखी हो रही थी। बीजेपी ने हमें बुला करके पूरे मान सम्मान के साथ में, आदर सम्मान के साथ में कहा, भाई आप हमारी पार्टी ज्वाइन करो, हम आपको पूरा मौका देंगे अपनी प्रतिभा दिखाने का। उसी का नतीजा है कि आज मैं बीजेपी में। आपकी भूमिका क्या रहेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में? हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल के सामने, लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं कि आप हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ने वाले। देखिए, आने वाले समय में जो जिम्मेदारी पार्टी देने वाली है, ज्योति मिर्जा उसको लेने के लिए तैयार है। हनुमान बेनीवाल को जरूर मैंने चुनौती दे रखे कि अगर इतना दम भरते हैं तो आए चुनाव लड़े। उन्होंने बोला, मैंने दो चुनाव हराए हुए हैं, 2014 के अंदर तो निर्दलीय खड़े थे और उनकी जमानत जब्त थी, दूसरी बार जब 19 में आए तो वो भाजपा की स्टेपनी बनकर आए थे टायर का सिंबल लेकर के। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी इन बातों में कोई दम है, बौखलाहट है, जिसकी वजह से वो ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं। परिवर्तन यात्रा को लेकर क्या कहेंगी? कुछ लोग ये मान रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा नागौर में फ्लॉप रही है, कुर्सियां खाली की कई जगह वो वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसा वो करने का तरीका होता है लोगों के पास में। आप साथ में चल रहे हैं और अभी आपने लाडनू की मीटिंग देखी है, कल आपने डीडवाना की मीटिंग देखी थी, उससे पहले आपने मौलासर में स्वागत देखा था, उससे पहले आपने सारी जगह कार्यक्रम देखा। मुझे नहीं लगता कि कोई ये कह सकता है कि ये सब आए फ्लॉप है। अगर ये फ्लॉप है तो ये सरकार इतनी सुपर फ्लॉप है कि इतनी फ्लॉप के डबल मेजोरिटी के साथ में बीजेपी आएगी। ठीक है, ये थी ज्योति मिर्जा, जो नागौर की पूर्व सांसद है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो जिले में सक्रिय हुई है। पहले ऐसा माना जाता था कि ज्योति मिर्जा चुनाव हारने के बाद दिल्ली में रहती थी और यहाँ पर उनकी सक्रियता को लेकर सवाल खड़े किए जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद इनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ज्योति मिर्जा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी निभाकर हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल के सामने खींवसर से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी में ज्योति मिर्जा को कितनी जिम्मेदारी मिलती है, क्या चुनाव है लोकसभा का लड़ेंगी या विधानसभा का, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी रिजवान के साथ हनीफ खान, नागौर।